हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी एंड वेलकम टू माय चैनल आर के लिंग्विस्ट। आई एम योर लैंग्वेज टीचर राजेश कुमार एंड यू विल लर्न हियर द टॉपिक्स रिलेटेड टू लिंग्विस्टिक्स इन अ वेरी सिंपल एंड एंजॉयबल वे। सो बिफोर वेस्टिंग अवर टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेक्चर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंटैक्टिक सेमेंटिक्स, और इस लेक्चर में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले सिंटैक्टिक सेमेंटिक्स जो हमारा मेजर टॉपिक है, और इसके जो सब टॉपिक्स हैं वो है एम्बिगुइटी, प्रीसपोजिशन, एंटेलमेंट, कंट्राडिक्शन एंड सेमेंटिक एनोमली। इन एडिशन वी विल आल्सो डिस्कस द टाइप्स ऑफ एम्बिगुइटी व्हिच आर लेक्सिकल एंड स्ट्रक्चरल एम्बिगुइटी। ओके, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टीच यू ऑल द टॉपिक्स वेरी केयरफुली एंड सिंपली, एंड आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड एंड एंजॉय द होल वीडियो टिल द एंड। एंड सम इंस्ट्रक्शंस आई वॉन्ट टू गिव यू दैट फर्स्ट काइंडली यूज हेडफोन्स इफ़ यू हैव, एंड प्लीज नोट डाउन सम पॉइंट्स दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेटर। ओके, एंड आई सर्च अ लॉट ऑन यूट्यूब दिस टॉपिक बट देर वॉज नो वीडियो ऑन दैट, देर फॉर आई हैव मेड दिस वीडियो फॉर यू टू हेल्प यू। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट, दैट इज़ सिंटैक्टिक सेमेंटिक्स। जैसा कि आपको पता है कि ये वर्ड आपको दिखने से ही पता चल रहा है कि ये दो टर्म का एक कॉम्बिनेशन वर्ड है जिसको सिंटैक्स और सेमेंटिक्स से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, सिंटैक्टिक मतलब सिंटैक्स को शो कर रहा है, सेमेंटिक्स तो वैसे ही सेमेंटिक्स ही होती है। ठीक है, तो आपने सुना होगा लिंग्विस्टिक्स के अंदर माइक्रो लिंग्विस्टिक्स और मैक्रो लिंग्विस्टिक्स की ब्रांचेस होती हैं, तो इसी तरह माइक्रो लिंग्विस्टिक्स के अंदर भी काफ़ी सारी ब्रांचेस होती है और मैक्रो के अंदर भी काफ़ी सारी होती हैं। तो सिंटैक्स और सेमेंटिक्स ये भी माइक्रो लिंग्विस्टिक्स की ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं, सिंटैक्स एंड सेमेंटिक्स बोथ आर ब्रांचेस ऑफ माइक्रो लिंग्विस्टिक्स, बट सिंटैक्स इज़ द स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर व्हाइल सेमेंटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मीनिंग। जैसा कि आपने सुना होगा कि वर्ड्स को बनाने के लिए जब सेंटेंस बनता है, वर्ड्स बनते हैं तो फिर उसको कलेक्ट करने के बाद, कॉम्बिनेशन बनाने के बाद एक सेंटेंस बनता है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि कोई हमारे ऐसे ही सेंटेंस बन जाए, हम ऐसे ही कुछ ही वर्ड्स को ऐड कर दें, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे कुछ पुट कर दें, और जो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर और वर्ब को किसी और जगह पर ऐड कर दें, तो ये हमारा सेंटेंस तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह से सेंटेंस का काम होता है कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाना, उसको सही तरह से एक स्ट्रक्चर देना, उसके रूल्स को फॉलो करना जो उसको सही तरह से बना सके। फिर उसके बाद सेमेंटिक्स का काम होता है उसको मीनिंग देना। अगर सेंटेंस तो बन गया लेकिन उसकी मीनिंग सही नहीं मिली तो ये सेंटेंस भी हमारा किसी काम का नहीं है। ठीक है, सो हेयर वी स्टडी द रिलेशन बिटवीन सेंटेंस स्ट्रक्चर विथ इट्स मीनिंग दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू सिंटैक्टिक सेमेंटिक्स, जो डायरेक्टली कनेक्शन रखता है सिंटैक्टिक सेमेंटिक्स से। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल है, शी इज़ माय ब्रदर, तो ये सिंटैक्स तो बिल्कुल इसका करेक्ट है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा गया है सिंटैक्टिकली करेक्ट बट सेमेंटिकली रॉन्ग सेंटेंस। शी यूज़ होता है मेल के साथ और ही यूज़ होता है जो है सॉरी शी यूज़ होता है फीमेल के साथ और मेल के लिए ही यूज़ होता है, तो इसके लिए हमें ही इज़ माय ब्रदर लिखना पड़ेगा, तभी ये सेंटेंस सिंटैक्टिकली एंड सेमेंटिकली करेक्ट हो सकता है हमारा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया है कि सिंटैक्टिक सेमेंटिक्स किसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ ऐसा एक मतलब ऐसी स्टडी जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की मीनिंग के थ्रू, ठीक है ना, मीनिंग विथ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की जब स्टडी करते हैं तो हम उसको सिंटैक्टिक सेमेंटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि ये एम्बिगुइटी, ये जो सारे टॉपिक्स हैं वो हम इसके अंदर क्यों पढ़ते हैं। देखो, अगर हमें जो है सेंटेंस अच्छी तरह से बन जाते हैं और उसकी मीनिंग नहीं मिलती है तो वो काम के नहीं होते, तो इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद हमें एक अवेयरनेस मिलती है ताकि हम एक ऐसे सेंटेंस बनाएं जिसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर भी अच्छी हो और उसकी मीनिंग भी सही निकले, तभी वो सेंटेंस एक अच्छी तरह से एक वेल फॉर्म्ड सेंटेंस बन सकता है हमारा। ठीक है, तो अभी एम्बिगुइटी का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हमें पता चल रहा है कि एम्बिगुइटी जब आप सर्च करेंगे डिक्शनरी में तो आपको मीनिंग मिलेगी अनक्लियरनेस या डाउटफुलनेस। ठीक है ना, जब हमें कोई चीज़ क्लियर ना हो, जब कोई चीज़ धुंधली हो, फिर हम उसको बोलते हैं एम्बिगुइटी। तो अब हम आते हैं, एम्बिगुइटी कैन बी डिफाइंड एज अ वर्ड फ्रेज आर सेंटेंस दैट हैज़ मोर देन वन मीनिंग्स और इंटरप्रिटेशन, एक ऐसा वर्ड या फ्रेज या सेंटेंस जिसकी एक से ज़्यादा मीनिंग हो उसको हम एम्बिगुइटी कहते हैं। आते हैं एग्जाम्पल पे, वर्ड है बेट, बेट आपने सुना होगा,
छोटे से बच्चे बड़े होते हैं, जब उनको पता होता है कि ये बैट होती है, एक बॉल होता है, क्रिकेट के अंदर हम खेलते हैं, ठीक है। लेकिन एक जो बैट दूसरी भी होती है उसको हम कहते हैं, जो एक एनिमल होता है, ठीक है। तो वर्ड तो एक ही बैट है, लेकिन अब यहाँ पर एम्बिगुटी आ रही है कि बैट कौन सी, क्रिकेट वाली या एनिमल, ठीक है। तो ये हमारा एम्बिगुटी हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई आप कहते हो बैट किसी को, ठीक है, फिर उसको बात समझ में नहीं आती, वो कहता है कि आप कौन सी बैट की बात कर रहे हो, क्रिकेट वाली या वो एनिमल वाली। तो ये जब वो कन्फ्यूज़ हो गया तो इसको हम एम्बिगुटी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेंटेंस पे। शी सेड जॉन हिट ए गर्ल विथ एन अम्ब्रेला। तो एक लड़की ने कहा कि शी सेड जॉन हिट ए गर्ल विथ एन अम्ब्रेला। तो बंदे ने कहा कि व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है। तो उसने पूछा, डिड जॉन यूज़ एन अम्ब्रेला टू हिट ए गर्ल और ही हिट ए गर्ल वो हेड एन अम्ब्रेला। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो जॉन ने उसने अम्ब्रेला से उस लड़की को मारा, या उसने उस लड़की को मारा जिसके पास अम्ब्रेला थी, तो वो समझा नहीं, और इसी बात को हम एम्बिगुइटी कहते हैं। तो फिर उसने जब उसको बता दिया कि भाई मेरा मकसद ये नहीं था, मेरा मकसद ये था, तो वो समझ गया, फिर यहाँ पर एम्बिगुइटी ख़त्म हो गई, ठीक है। अब हम आते हैं लेक्सिकल एम्बिगुइटी। देखो, लेक्सिकल एम्बिगुइटी का मतलब ऐसा है कि ये एम्बिगुइटी ऑन द लेवल ऑफ वर्ड्स, जब वर्ड्स में हमें एम्बिगुइटी नज़र आए तो वो लेक्सिकल एम्बिगुइटी कहती है। और आप समझ लें कि लिंग्विस्टिक्स के अंदर जब भी वर्ड लेक्सिम या लेक्सिकल आता है तो आप समझ जाएं कि ये वर्ड्स से ताल्लुक़ रख रही है चीज़, ठीक है। तो अब आते हैं, द वर्ड्स मोर पॉसिबल मीनिंग्स इन इज नोन एज ए लेक्सिकल एम्बिगुइटी। जब एक वर्ड की ज़्यादा मीनिंग मिले हमें, एक से ज़्यादा मिले, तो उसको हम लेक्सिकल एम्बिगुइटी कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है राइट, राइट एक होता है लेफ्ट का अपोजिट राइट, ठीक है। दूसरा होता है राइट, इट इज़ माई राइट, ये मेरा हक है, ठीक है। तो ये राइट यहाँ पर दो मीनिंग रख रही हैं, ठीक है। और इसी तरह से आप जब सोचोगे तो आपके पास एक वर्ड की काफ़ी सारी मीनिंग भी मिलेंगी। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, आर्बिट्रीनेस होती है लैंग्वेज के अंदर, जिसमें हमें पता चलता है कि लैंग्वेज के अंदर काफ़ी सारी मीनिंग्स निकलती हैं, ठीक है ना। तो अब हम दूसरे एग्जांपल पे आते हैं, बैंक। जो बैंक है वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जिसमें हम पैसे को कलेक्ट करते हैं, जब हम पैसों को सेव करते हैं। दूसरा बैंक होता है जो एक रिवर क्या होता है, जिसको हम किनारा बोलते हैं, ठीक है। पिक्चर को आप देखें, आपको समझ आ जाएगा, जब भी मैंने पिक्चर को यूज़ किया है, ठीक है। तीसरा एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ पे मैंने लिखा तो सेंटेंस है लेकिन लेक्सिकल एम्बिगुइटी है, क्योंकि ये पेन के अंदर शो हो रहा है, ठीक है। ही सेड आई बॉट ए पेन फॉर माई डॉग। उसने कहा कि मैंने अपने डॉग के लिए एक पेन लाई हूँ। तो उसने पूछा कि क्या पेन से डॉग लिख सकता है, आप उसके लिए पेन तो ला रहे हैं, उसके किस काम की है पेन। तो उसने जवाब दिया कि पेन वो एक पेन नहीं होती जिसे हम लिखते हैं, लेकिन पेन उसको भी कहते हैं जिसमें हम जानवरों को रखते हैं, कैद करते हैं, जो सर्किल सा बना होता है, जिसको हम पिंजरा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक पेन तो ये लिखने वाली होती है, दूसरी पेन वो भी होती है। तो ये सारी चीज़ें जब आप वर्ड्स आप देखेंगे, आपको लाखों एग्जांपल्स मिलेंगे वर्ड्स के, आप डिक्शनरी पे देखेंगे और आप यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके पास और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स आएंगे। लेकिन आपने ये कॉन्सेप्ट जब समझ लिया तो आप काफ़ी सारे वर्ड्स अपने एग्जांपल्स कहीं भी एग्ज़ाम में कहीं पर भी आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं विथ डेफिनेशंस विथ योर ओन क्रिएटिविटी। और दूसरा इसके अलावा है स्ट्रक्चरल एम्बिगुइटी। अभी स्ट्रक्चरल जो वर्ड है वो सेंटेंस के लिए यूज़ किया गया है यहाँ पे, जिसको हम कह सकते हैं कि द एम्बिगुइटी ऑन द लेवल ऑफ सेंटेंसेस, ए सिचुएशन वेयर ए सेंटेंस हैज़ मोर देन वन मीनिंग ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। कैसे, जब एक सिचुएशन जहाँ पे एक सेंटेंस की एक से ज़्यादा मीनिंग मिले हमें, तब हम स्ट्रक्चरल एम्बिगुइटी कहते हैं उसको। देखो, अभी यहाँ पे एग्जांपल है, आई नो ए लिटिल इटालियन। उसने कहा एक बंदे को कि आई नो ए लिटिल इटालियन। तो उसने पूछा उसे, आई नो द लिटिल इटालियन पर्सन और आई अंडरस्टैंड लिटिल इटालियन लैंग्वेज। तो ये खुद ही मतलब जो ना एक ये मैंने खुद बनाया है यहाँ पे सेंटेंस लिख के, कि इसकी दो मीनिंग लिख रही हैं लिटिल इटालियन की, एक तो लिटिल इटालियन लैंग्वेज भी हो सकती है या इटालियन पर्सन भी हो सकता है। तो आपका मकसद क्या है, कि आप लैंग्वेज को मतलब थोड़ा बहुत बोलना जानते हैं, इटालियन इटली की लैंग्वेज को, या उस इटली के लोगों को जानते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल एम्बिगुइटी आ रही है। दूसरा एग्जांपल है, द टूरिस्ट सा ए वुमेन विथ ए टेलीस्कोप।
द टूरिस्ट आ वुमेन विथ अ टेलीस्कोप। तो उसने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा आपने क्या आप क्या बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पे भी कन्फ्यूजन आ रही है जब भी मैंने आपको सिंबल यूज़ किया है, ये जो कुछ कार्टून्स यूज़ किए हैं मैंने। द टूरिस्ट यूज ए टेलीस्कोप टू सी ए वुमेन और ए वुमेन हैड ए टेलीस्कोप वो वाज सीन बाय द टूरिस्ट। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि टेलीस्कोप को यूज़ करके उसने वुमन को देखा या उस वुमन को देखा जिसके पास वो टेलीस्कोप थी, देखा तो उसने अपनी आँखों से लेकिन वो उसके पास टेलीस्कोप थी उस वुमन को देखा, ठीक है। और इसी तरह से आप इस सेंटेंस की भी काफ़ी सारी मीनिंग जब आप सोचोगे तो आपको ज़्यादा मिल सकती हैं, लेकिन जो आपको मैंने बताई है तो वो तो कन्फर्म है, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गई। और जब आपको मैंने पहले वाले एग्जांपल दिया था एम्बिग्विटी के अंदर, तो मैंने आपको लेक्सिकल का भी एग्जांपल दिया था बेट वाला, और जो सेंटेंस का भी दिया था स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी जो एक अम्ब्रेला वाला एग्जांपल था, ठीक है। तो आप उसको इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। तो अभी हम आते हैं प्रीसपोजिशन। देखो प्रीसपोजिशन कितना एक इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्री का मतलब है बिफोर, सपोजिशन का मतलब है किसी को अज्यूम करना, या हम प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को पहले से समझ लेना। द इंफॉर्मेशन दैट ए स्पीकर अज्यूम्स टू बी ऑलरेडी नोन, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो स्पीकर को ऑलरेडी अज्यूम हो सकती है, इट कैन बी ट्रू और नोन बाय द हियरर, जो सच भी हो सकती है या जानी जा सकती है सुनने वाले को। देखो अभी कैसे होता है ये, पहला एग्जांपल है जेन नो लॉन्गर राइट्स फिक्शन। जब फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं कहूँ कि अब जेन जो है ना वो फिक्शन नहीं लिखता, तो आप समझ जाएंगे कि शायद जेन जो है ना वो पहले से फिक्शन लिखता था, जब भी तो आप कह रहे हैं कि अभी नहीं लिखता, अब यही समझेंगे ना। तो इसका मतलब प्रीसपोजिशन, पीएसपी प्रीसपोजिशन के लिए यूज़ किया गया है, जेन वंस रोट फिक्शन। तो ये स्पीकर समझ सकता है, पहले से अज्यूम कर सकता है कि वो कभी लिखता था फिक्शन। दूसरा एग्जांपल है द किंग ऑफ फ्रांस हैज़ रेड हेयर्स, जो किंग ऑफ फ्रांस का जो किंग है उसको रेड हेयर्स हैं। पीएसपी इसकी जो प्रीसपोजिशन निकल सकती है जो स्पीकर कर सकता है वो ये है कि द किंग ऑफ फ्रांस एग्जिस्टेड, मतलब किंग का फ्रांस है जभी तो उसके हेड रेड हेयर्स होंगे ना। उसका तीसरा एग्जांपल है प्रीसपोजिशन का, योर ब्रदर इज़ वेटिंग आउटसाइड फॉर यू, एक लड़की थी उस वो बैंक में बैठी हुई थी अपना काम कर रही थी, उसको वेटर ने कहा उसको सॉरी एक प्यून था उसने कहा कि जो ना योर ब्रदर इज़ वेटिंग आउटसाइड फॉर यू, तो उस वेटर ने उसको जो प्यून है उसने समझ लिया कि इसका कोई भाई है, यू हैव ए ब्रदर, वो समझ गया कि जो है ना स्पीकर समझ सकता है उस सेंटेंस को सिचुएशन को देख के कि भाई ये चीज़ उसकी बात ये उसकी है, तभी तो वो आया है ना, अगर होगा ही नहीं तो कैसे आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स मिल सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि प्रीसपोजिशन के अंदर जो सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है उसकी भी प्रीसपोजिशन सेम ही निकलती है, अगर नेगेटिव है तभी भी उसकी प्रीसपोजिशन सेम ही रहती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ द किंग ऑफ फ्रांस डज नॉट हैव रेड हेयर्स, ठीक है, तो उसके जो ना बाल जो ना वो रेड नहीं है, उसकी प्रीसपोजिशन भी वही निकलेगी द किंग ऑफ फ्रांस एग्जिस्ट, वो उसके बाल रेड चाहे नहीं हो लेकिन वो एग्जिस्ट तो करता है, वो ज़िंदा तो है। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो किसी भी सेंटेंस की जब हम प्रीसपोजिशन हमारा जो स्पीकर है वो करता है वो सेम ही रहती है, ठीक है। फिर आते हैं इंटेलमेंट पे। इंटेलमेंट क्या है, इंटेलमेंट को हम प्रीसपोजिशन के से थोड़ा रिलेटेड बना के फिर समझते हैं। समथिंग दैट लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम व्हाट इज़ असर्टेड इन द यूटरेंस, ठीक है, जहाँ पे सेंटेंस हैव इंटेलमेंट वाइल स्पीकर्स हैव प्रीसपोजिशन। सेंटेंसेस में जो है ना वो इंटेलमेंट होती है, स्पीकर्स जो है ना वो प्रीसपोजिशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरीज़ ब्रदर बॉर 3 horses, मेरी का जो भाई है उसने 3 horses खरीदे। अभी इसकी इंटेलमेंट हम ऐसे कर सकते हैं, मेरीज़ ब्रदर बॉट समथिंग, उसने कुछ ख़रीदा, उसने 3 animals खरीदे और वो 3 जो है ना वो हॉर्सेस थे जो उसने ख़रीदे, ये थी उसकी इंटेलमेंट, ठीक है, उसको ज़्यादा इंटेल किया। लेकिन प्रीसपोजिशन जो है वो स्पीकर कर सकता है, जो तो वो स्पीकर समझेगा कि मेरी एग्जिस्ट करती है, मेरी एग्जिस्ट शी हैज़ ए ब्रदर हु इज़ रिच, उसके उसका भाई भी है जब भी तो उसने घोड़े ख़रीदे और वो अमीर है और इसी वजह से उसने जो है ना वो ख़रीदे, अगर गरीब होता तो वो नहीं ख़रीद सकता था। तो ये प्रीसपोजिशन थी और वो इंटेलमेंट थी।
आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा इसका कॉन्सेप्ट। और ज़्यादा इंटेनमेंट के हवाले से लिंग्विस्ट ने, जो ऑथर्स ने, उन्होंने ज़्यादा डिस्कशन नहीं की इसके हवाले से इंटेनमेंट की एज़ कम्पेयर टू प्री सपोजिशन। ठीक है, जब भी मैंने आपको ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं दिए, लेकिन यही कॉन्सेप्ट था। अगर आप यूट्यूब इस पर गूगल पर अगर आप सर्च करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेनमेंट, तो आपको ज़्यादा एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे ताकि आप ज़्यादा समझ सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट यही निकलेगा। ओके, कंट्राडिक्शन, इट इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक and that is very laughing. In semantics, a contradiction is a sentence that is false under all circumstances due to having two opposite senses. देखो, contradiction का मतलब ये है कि दो opposite चीज़ें, contradictory word आपने सुना होगा। ठीक है, एक ऐसा sentence जिसमें जिसका जो ग्रामर है वो सही होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर सही होता है, लेकिन उसकी जो मीनिंग होती है वो अपोजिट निकलती है, जो सच नहीं हो सकती। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, मेरी माय ब्रदर इज़ प्रेग्नेंट। माय ब्रदर, अभी माय ब्रदर क्या है, ये मेल है, मेरा भाई एक मेल, वो प्रेग्नेंट हो नहीं सकता। एक जगह पर फीमेल का फीचर यूज़ हो रहा है और दूसरी तरफ से मेल हो रहा है। ठीक है, फीमेल और मेल की दो अपोजिट चीज़ें आ रही हैं। ए सिनोई समर्स डे, सिनो किस में होती है, ठंड में, अगर वो गर्मी होती है तो फिर वो ठंड पानी बन जाती है, लेकिन यहाँ पर सिनोई एक तरफ से ठंड की बात हो रही है, दूसरी तरफ से समर्स डे भी एक गर्मी की बात हो रही है। तीसरा एग्जांपल है, सम पीपल एंड व्हीकल्स आर ऑन द एम्प्टी स्ट्रिप। सम पीपल एंड व्हीकल्स, यहाँ पर एक जगह पर सम पीपल, कुछ लोग और कुछ गाड़ियाँ हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक खाली जगह, खाली गली, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता, एक तरफ खाली दूसरी तरफ से भरा हुआ। तीसरा फोर्थ एग्जांपल इज़ दैट, स्टॉप एंड कीप मूविंग, रुको और चलते रहो, ये भी दो अपोजिट चीज़ें। डू नॉट एंटर बट एंटर ओनली, यहाँ पे देखो पिक्चर में भी लिखा हुआ है, और ये लड़का भी देखो हंस रहा है कि कौन सी पागल वाली बातें कर रहा है ये, कंट्राडिक्शन। एक जगह पर लिखा हुआ है डू नॉट एंटर, दूसरी जगह पर लिखा हुआ है एंटर ओनली, तो वो बंदा रुक गया, बोल रहा है कि ये पागल हैं लोग, मैं जा रहा ही नहीं हूँ। ठीक है, तो हेयर इन ईच एग्जाम्पल टू कंट्राडिक्टरी थाट्स आर एग्जिस्टिंग विच कैन नॉट बी ट्रू। हमारा लास्ट टॉपिक है सिमेंटिक एनोमली। सिमेंटिक एनोमली इज़ अ डेविएशन फ्राम अ रूल और फ्राम वाट इज रिगार्डेड एज नॉर्मल। अ सेंटेंस दैट इज सिंटेक्टिकली वेल फॉर्म्ड बट सिमेंटिकली मीनिंगलेस, जिसका सेंटेंस बिल्कुल अच्छा हो, बना हुआ हो, लेकिन उसकी मीनिंग जो है ना वो सही नहीं हो। ठीक है, अभी आप देखो, अब जो सिमेंटिक कंट्राडिक्शन हमने देखा था, तो उसमें अंदर दो अपोजिट बातें हो रही थी, लेकिन यहाँ पे दो अपोजिट नहीं हो रही, ये कुछ अलग बातें हैं। ठीक है, ये भी उसी तरह, लेकिन दो अपोजिट बातें नहीं हैं इसके अंदर। सिंस माई सन हैज़ ए हिस्ट्री ऑफ फॉलिंग क्लासेस एंड हिज गुड ग्रेड्स आर ए वेलकम, इसमें देखो कोई सेंस नहीं मिल रहा। हिस्ट्री ऑफ फॉलिंग क्लासेस, उसके बाद गुड ग्रेड्स, देन वेलकम, ये तीनों चीज़ें आपस में कोई कनेक्शन नहीं रख रही, करियर रख भी रही हैं तो, लेकिन उसकी कोई मीनिंग सही नहीं मिल रही। सेकंड एग्जांपल, ए पर्सन बोर्न विथ टू हेड्स, ये भी एक एबनॉर्मल कंडीशन है, ये होता है लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल नहीं है। ठीक है, थर्ड, कलरलेस ग्रीन आइडियाज स्लीप फ्यूरियसली, तो कलरलेस, यहाँ पर एक तो हो रही है बात कलर, जो बगैर कलर के, दूसरा ग्रीन, फिर उसके बाद आइडिया जिसका कोई कलर होता ही नहीं और वो सुनते सोते भी नहीं हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्ट्रेंज हैं। फोर्थ, ए मैन वाज वॉकिंग ऑन द वॉल, अभी ये मैन था या रोबोट था, आई थिंक उसने फिल्म देख ली होगी रोबोट वाली, जो उसने जो वहाँ पे वॉकिंग करता है साइड में वॉल पे, लेकिन ये उसने कोशिश की लेकिन वो गिर गया, लेकिन ये सेंटेंस वैसे भी गलत है, ए मैन वाज वॉकिंग ऑन द वॉल ये नहीं हो सकता, सेंटेंस करेक्ट है लेकिन मीनिंग करेक्ट नहीं है इसकी, तो ये भी नॉर्मल नहीं है। फिर द कैट इज़ ड्राइविंग ए कार, आई थिंक ये कार भी एक जो है ना वो ड्राइवरलेस कार थी जिसमें वो कैट बैठी हुई थी, इस पागल ने लिख दिया कि कैट वाज ड्राइविंग, एक द कैट इज़ ड्राइविंग ए कार, ठीक है, ये भी करेक्ट नहीं है। सो इट इज़ समथिंग आउट ऑफ ऑर्डिनरी, अनयूजुअल, स्ट्रेंज और एबनॉर्मल एज द अबोव सेंटेंसेस आर, जो भी सेंटेंसेस थे वो जो है ना वो आउट ऑफ ऑर्डिनरी थे, अनयूजुअल थे, स्ट्रेंज थे, एबनॉर्मल थे, जिस जो सच नहीं हो सकते। ठीक है, और हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि हम कुछ ऐसा लिखें, कुछ ऐसे सेंटेंसेस को बनाएं ताकि हम सिंटैक्टिकली और सेमेंटिकली करेक्ट हो जाएं और इन गलतियों को हम ना कर सकें। ओके,
and thank you for your time and your attention. If you like this video, please click on like and subscribe my channel to support and grow my channel, and also share this video to your friends. So if you have any confusion related to this topic, also from any other topic related to linguistics, you can also ask me on the comment box. I will try my best to reply you, or if there will be need, I will try my best to make another video for you on that topic. Okay, wish you all the best. Bye bye.